सबको जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप प्रोफेटस आशिमा जेम्स बत्रा जी के संदेश को सुनकर काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें 9810585003 पर व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। अगर आप और भी बातें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च। तो आइए सुनते हैं प्रोफेटस आशिमा जेम्स बत्रा जी को। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम परमेश्वर के वचन में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके भूखे हैं, हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। जो भी आज आपके मन में है हमसे बातचीत कीजिए और हमारी जिंदगियों को बदलिए। परमेश्वर यीशु मसीह, जब आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है तो हम भी बहुतायत का जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारा आनंद कंप्लीट किया है, आपने हमें तसल्ली दी है। तो हम इस जय के जीवन में उस जय को दिखाना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमेन। हम लोगों ने अभी आपने सुना कि हमने एक फाइनेंशियल सेमिनार किया था और हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें। और हम तरक्की क्यों करें? ताकि हमारे पास इतना हो कि हम दूसरों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करने पाए। जिन लोगों के पास कमी होती है ना, वो दुखी होते हैं और उनके मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं, उनको कोई चोट लगी होती है, घर में झगड़े हैं तो वो मुस्कुरा नहीं पाते। तो जो लोग परेशान हैं वो दूसरों की मदद कैसे करेंगे? जो खुदा के लोग परेशान हैं वो क्या करेंगे? वो कैसे दूसरों की शक्ल पे खुशी लाएंगे? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, ज्यादातर जो मैंने देखा है लोगों का दुख, वो उनकी हेल्थ की वजह से है। लोगों की हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन वचन बताता है जब यीशु मसीह क्रूस की ओर जाने वाले थे, क्रूस पे जाने वाले थे, उससे पहले उनको 39 times 39 कोड़े मारे गए। जब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी हम मुस्कुराएंगे, हम बहुत मुस्कुराएंगे। लेकिन फिर क्या होता है, हमारी हेल्थ अच्छी है लेकिन अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं और हमारे रिश्तेदारों के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या वो हमें कुछ कह रहे हैं या हम उन्हें कुछ कह रहे हैं, या वो लोग खुश नहीं हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। तो जहां तक रिश्तों की बात है, परमेश्वर से ये प्रेयर नहीं करनी हाय ये बदल जाए, हमें परमेश्वर से ये कहना है हे परमेश्वर मुझे बदल दीजिए। और मैंने ये देखा है कि ज्यादातर जिन लोगों के लिए मैं कई सालों से प्रेयर कर रही थी, हे परमेश्वर इन लोगों को बदल दीजिए, ज्यादातर प्रॉब्लम मुझ में थी, बदलना मुझे था और मैं ही वो सोत्र थी अपने रिश्ते की खराबी की। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी माएं मुझे आके कहती है मेरे बच्चे को स्पेशल ट्यूशन में आ रहा है, आप इसे मार सकते हो, आप इसे पीट सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गेम खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्यों आपका बच्चा बहुत ज्यादा फ्री फायर खेल रहा है? क्यों आपका बच्चा बदतमीज है? क्यों आपसे ऐसे बातें कर रहा है? क्योंकि माँ ने अपना जो रोल है सिर्फ माँ तक अदा नहीं करा, उन्होंने गलती करी, उन्होंने उसको अपने सर पे चढ़ा दिया। जब उन्हें समझाया गया, उन्हें कहा नहीं थोड़ा सा और, कोई बात नहीं बच्चा, थोड़ा सा और, कितना ज्यादा तंग कर रहा है मुझे, लेकिन वो उसी की केयर करती रहती है, उसी के साथ चलती रहती है और बच्चे बाद में बिगड़ जाते। बच्चे तो बच्चे हैं, अगर आप उन्हें टू मच कुछ दे दोगे तो वो तो बिगड़ जाएंगे। और ज्यादातर माएं इतना प्यार करती हैं उनके बच्चों को, जो बड़े हो गए हैं, जो वो बदतमीजी कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, उसका ऑथर उनकी माँ है, क्योंकि उस माँ ने उनको रोका नहीं। तो मैं ये यहाँ पर ये बताना चाह रही हूं कि जो शुरुआत प्यार से हुई वो आज बिगड़ गई। और फिर सबसे ज्यादा वो बच्चे किसको काटने को आते हैं? माँ को। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं किसी औरत को ब्लेम करना चाह रही हूं, उन्हें नहीं पता, उन्हें जब उनके हस्बैंड से प्यार नहीं मिलता, वो अपना प्यार, एक्स्ट्रा प्यार अपने बच्चों में उंडेलती हैं और बाद में वो बच्चे आके प्यार तो आपसे करते क्योंकि उन्हें पता है ये सच्चा प्यार है, लेकिन वो आपको काटने को भी दौड़ते और आप ही की नहीं सुनते, पूरी दुनिया की सुनते हैं। और मैं भी इसकी कसूरवार थी। बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कोशिश करें कि आपका जो फर्ज है अपने बच्चों का, उनकी रक्षा करना, उनको खिलाना पिलाना, उनको अच्छी शिक्षा देना, पालना पोसना, उनका पहला पास्टर बनना और उसके बाद जो गलत है उसमें हंसना नहीं। अब मेरे कोई जानकार है, जब भी वो अपने बच्चे को
कुछ गलत करता है वो उसको डांटने जाती है, वो हंस भी देती है 2 मिनट में, तो बच्चे को पता ही नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है, और वो उस बात में बढ़ता चला जा रहा है उनका प्रॉब्लम। और माएं थोड़ा सा ज्यादा लड़कों के साथ करती हैं और उनके लिए खास दया होती है, और वो लड़के ज्यादा गलत काम करते हैं माँ की छत्रों छाया में, और लड़कियों पे थोड़ा सा दंड रखा जाता है। मैं यहाँ पे मैं फर्क नहीं करना चाह रही कि हम लड़कियां सारी जाके मम्मी से लड़ाई करें, सॉरी आपको ऐसा नहीं करना, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं लगातार बार बार एक पैटर्न की तरह देख रही हूं। तो हमें इस चीज को रोकना और रियलाइज करना है, हम उस बच्चे के मम्मी पापा नहीं, गॉड उस बच्चे के मम्मी पापा है, और हमें अपना रोल निभाना है जो गॉड ने दिया है। और तब जब हमारा ये रिश्ता शांत हो जाएगा तो हम बाकी के रिश्ते भी ठीक कर पाएंगे। पति जो है वो अपनी माँ के इन्फ्लुएंस में अपनी पत्नियों को कुछ नहीं समझते, जो गलत है, और बच्चे अपने बुजुर्गों का आदर नहीं करते, जो गलत है, और जब शादी हो जाती है वो अपनी माओ को इग्नोर कर देते, जो गलत है। लेकिन माएं भी कई दफा इतना ज्यादा इंटरफेयर करती हैं कि वो हर चीज कंट्रोल चाहती हैं, और वो भी गलत है। बाइबल तो बड़ी क्लियर है, बहुत क्लियर है बाइबल, कि जब आपकी शादी होगी, ये गॉड का कमांड है कि जब तुम शादी करो तो लड़कों को बोला गया यू विल लीव योर मदर फादर, माता पिता को छोड़ दो और तुम अपनी पत्नी के साथ चिपक जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ दो मतलब कभी नहीं सुधे लेनी, लेकिन इसका मतलब है आपकी वाइफ नंबर वन है। लेकिन मदर्स जो पूरे जुनून में है अपने बेटों के साथ, अपने बेटों का पीछा नहीं छोड़ती, और फिर वो जो बेटा है वो गिल्ट में आकर के अपने रिश्तों को खराब कर लेता है, और ये बार बार देखा गया। और क्योंकि उनको पावर है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करा है जो उन्हें अपने हस्बैंड से नहीं मिला, और ये एक रिश्ता है, तो वो अपने बेटों की शादी को जेपर्डाइज करके खराब कर देती हैं। और मैं ऐसे कितनी सारी शादियां जानती हूँ जहां पर माओ ने अपने बेटों पे ऐसा कंट्रोल करा है कि वो बेटे अपनी वाइफ के साथ 100% नहीं, उनके लिए उनकी माँ उनकी नंबर वन है और माँ डिसीशन ले रही है, और जो लड़के हैं वो अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे, और ये भी रिश्तों में गलत है। आप एक पत्नी को जो अपना सब कुछ छोड़ के आई है कैसे इग्नोर कर सकते हैं, उसकी आदर आप ही को तो करना है, और हस्बैंड्स को भी सीखना पड़ेगा कि उन्हें अपनी वाइफ का आदर करना है। क्योंकि ये कहने को बड़ा नॉर्मल लगता है कि आप अपने पति के घर आ गए हो, लेकिन आसान नहीं होता। बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीजें जो ऐसा लगता है कि एक घर से उठ के दूसरे घर में तो आए, नहीं, सबसे बड़ी बात है कंफर्ट। जो बेटी अपने घर में कभी भी उठ जाती थी, कभी भी सोती थी, कुछ भी खाती थी, आज उसे 10 चीजें सोचनी पड़ती हैं और बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। तो हमें उसका पार्टनर होना चाहिए। और कुछ घरों में मैंने देखा है कि औरतों की मदर इतनी हावी हो जाती है, इतना ज्यादा डर में रहती कि मेरे साथ ये सब हुआ तो वो अपनी लड़कियों को छोड़ती नहीं, और उसके दिमाग में इतनी सारी गलत बातें भर के भेजती है कि डिवोर्स तो शादी से पहले हो जाना चाहिए था। मतलब ये हालत है, इतना बुरा हाल है, लेकिन वो उसको कहती अगर तेरे साथ हो गया वैसे हो गया, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, और जैसी शादी हो जाती है वो पूरी शादी को कंट्रोल करती, ये करो वो करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, और पूरा इन्वॉल्वमेंट। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने माता पिता को छोड़ के हस्बैंड वाइफ के साथ चिपक जाए, वाइफ हस्बैंड के साथ चिपक जाए, लेकिन बीच में तो माँ चिपकी हुई है, तो वो रिश्ता कैसे चलेगा, माँ कब हटेगी वहां से। और अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो बच्चे अपना रिश्ता खुद बनाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। सारी माएं जो ये सब कर रही हैं उन्होंने अपने आप को गॉड की जगह दे रखी है, उस पति के बीच में और उस पत्नी के बीच में, और वो रिश्ता कैसे चलेगा। और आज हम हिंदुस्तान में इतने सारे डिवोर्सेस देख रहे हैं, जब परिवार में इतने दुख होंगे तो कौन स्माइल करेगा। और फिर हम देखते हैं जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को खाने को दौड़ते हैं, और क्योंकि उन्हें इतना बिगाड़ा गया है और सही समय पे मना नहीं करा गया, और जब वो गलत करते भी हैं और हम डांटते भी, तो फिर उनको वही चीज दे देते हैं, और फिर हम कहते हैं पता नहीं ये बच्चे इतने खूंखार क्यों हो रहे हैं। और फिर हमारे पड़ोसी, जिनके साथ हमें एक लिमिट में अच्छे से रहना चाहिए, हमें हर पड़ोसी के साथ अच्छा रहना चाहिए, लेकिन हम अपने पड़ोसी से जलन रखते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनके बारे में चुगलियां करते हैं, और कभी भी हो सकता है कभी अच्छा ना सोचें, हम पहले अपना सोचते हैं। लेकिन बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से प्रेम करो, ऑफ कोर्स अपने जैसा।
और फिर हम देखते हैं हमारे बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी सारी जिम्मेदारी, अगर दादी है तो पापा की जिम्मेदारी है, अगर नानी है तो मम्मी की जिम्मेदारी है। क्या ऐसे घर नहीं हो सकते जहां पर पति की मम्मी को केयर करने वाले पूरे परिवार हो? लड़की का फैमिली है तो क्या हो गया, वही पति जो अपनी माँ के लिए केयर मांग रहा है, क्या वही पति अपनी पत्नी की माँ की सुधी नहीं रख सकता? ये कल्चर चर्च को डेवलप करना पड़ेगा और हमें अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा कि मेरा परिवार सिर्फ यहाँ इस अपनी माँ के साथ लिमिटेड नहीं है, मेरा परिवार मेरी पत्नी की माँ के साथ भी लिमिटेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का अपनी पत्नी की माँ को ज्यादा ऊंचा रखे और अपनी माँ को तुच्छ जाने, या वाइस वर्सा लड़की ऐसा करे। दोनों को बैलेंस में चलना है और अपने फैमिली की सुधी रखनी है। तो जब हम अपने इन सब चीजों को बैलेंस में लाएंगे तब हम रिलैक्स हो जाएंगे, हम हमारे पर बोझ नहीं होगा। हम बहुत सारी मदद टाइम टू टाइम अपनी मदर से भाई बहनों से ले सकते हैं, भाई बहन भी प्यार में फ्लो कर सकते हैं। तो ये तो रहा मैटर परिवार का और हेल्थ का, और अब रहा फाइनेंस का मैटर। हमने सीखा था कि क्या गॉड हमें पैसे देना चाहते हैं और उसमें क्या क्या परेशानियां हैं। तो सबसे एक जरूरी जो परेशानी है वो ये है कि हमें दुख क्यों मिलता है, क्योंकि हमारे पास है नहीं। हम करना तो बहुत चाहते हैं और कुछ करने के लिए अगर लेट्स से हमें चर्च में कुछ करना है, हमें लेट्स से कुछ स्पॉन्सर करना है, कुछ हम देना चाहते हैं, तो पैसे तो काफी होने चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारे खर्चे आते हैं। लेकिन हमारे ही खर्चे पूरे नहीं होते क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हमने ली हैं वो लोन पे ली हुई हैं। हमारे पास पैसा नहीं है तो लोन का श्राप हमारे ऊपर है, क्योंकि बाइबल कहती है हमें उधार नहीं लेना है। ऑफ कोर्स हमें देने वाला बनना है, और अगर आपसे कोई मांग नहीं रहा है और आप उसे देते हैं तो वो ब्लेसिंग है। और हमने ये भी देखा कि हमें टाइम टू टाइम गरीबों को देना है। अब गरीबों को देने का क्या मतलब है? सबसे जरूरी बात, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम किसी लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर की तो फीस सब कम करा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास आज तक किसी ने फीस नहीं कम कराई होगी। नेगोशिएट किया कभी आपने डॉक्टर के साथ, अरे 1,000 ले रहे हो थोड़ा कम कर दो, 500 चलेगा? नहीं नहीं नहीं, 500 नीचे चलो, ना तेरी ना मेरी, 750 ले लो। कितने लोगों ने ऐसा करा है डॉक्टर्स के साथ? कभी नहीं किया। लेकिन हमारे को पता नहीं क्या मजा आता है जो मूंगफली बेच रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, या कुछ ऐसे काम, हम उनसे पैसे कम कराते हैं और बहुत सारे कम कराते हैं और हमें तसल्ली नहीं मिलती। और घर जाके कहते हैं, अरे सब जगह भिंडी 40 रुपए पाव थी, लेकिन मैंने एक आदमी को इतना बोला, उसने कहा जी मेरी तो यही खरीद है, अच्छा आप सारी ले लो, 30 रुपए की ले लो, जो उसकी खरीद थी। सो वी टेक प्राइड इन नेगोशिएटिंग विद द पुअर पीपल। हाउएवर मैं एक सब्जी वाले को जानती हूँ, वो जैसे ही मुझे देखता है वो पहले रेट बढ़ा देता है। सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, मैं उससे सब्जी लेना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि उसको पता है मैं थोड़ा एक्स्ट्रा हमेशा दे दिया करती थी। सो टाइम एंड अगेन गॉड ने मुझे कहा गो एंड पेट्रोनाइज अदर पीपल ऑल्सो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दुकानदारों से सामान लूँ और उनकी, ताकि शॉप्स खराब ना हो जाए, क्योंकि वो लोग वहां दुकान लगा के बैठे हैं और उनको भी बिजनेस देना चाहिए। सो आई डू दैट, मैं उनको भी बिजनेस देती हूँ, मैं टाइम टू टाइम उनको कॉल कर लेती हूँ, बट ये सारा दिमाग में चलता रहता है। और जब वक्त आता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे खास शॉप से हम सामान लेते थे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ पहले रहते थे, तो वो अभी भी हमारे खास है, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारे रिश्तेदारी है। वो कहते अरे आपका तो क्रिसमस आ गया, हाँ हाँ तुम्हें भेज दी, यू नो लाइक आई वुड सेंड देम अ केक, बिकॉज वो एक पारिवारिक रिश्ता बनकर वो ऐसे केयर करते हैं जैसे कि मैं उनकी अपनी हूँ। सो ये सब हमें करना है। और ई रिक्शा वाले, रिक्शे वाले, ऑफ कोर्स अगर वो आपको यहाँ से वहां तक का, लाइक अभी मेरे को बिल्कुल पास में जाना था, उसने कहा 50 रुपए, मैंने कहा धन्यवाद भैया, तो ऐसे करके मैं चली गई। बट किसी और जब रिक्शे में बैठी, ई रिक्शा में, तो वो डिस्टेंस बहुत कम था, उसको कोई सवारी नहीं मिली, तब परमेश्वर ने कहा इसको 10 रुपए नहीं देने, इसे एक्स्ट्रा देने हैं। तो मैंने उसको वो एक्स्ट्रा दे दिया और वो आदमी काफी देर तक पैसे को देखता रहा, उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस वो पैसे को देख रहा था। एंड व्हाट अ जॉय इट इज कि हम ऐसे करके जो 50 की जगह मेरे तो 20 रुपए बच गए ना, सो आई गेव दैट बिकॉज होली स्पिरिट ने मुझे बोला। ये नहीं कि मुझे सब जगह पैसे लुटाना है, नो नॉट एट ऑल। सो क्या आप और मैं हमारे चारों तरफ जो गरीब हैं उनको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया दे सकते हैं? मैं उनकी बात नहीं कर रही जो गैंग्स हैं और रेड लाइट पे वो
आपका काम करने आते हैं, सफाई करते हैं गाड़ी की, और वो लोगों की कोठियां बनी हुई हैं, उनके बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं और ऐसा लोग कर रहे हैं। मैंने शर्लॉक होम्स की एक सीरीज में देखा था, देयर वाज अ गाय, उसकी बहुत बड़ा बंगलो था और वो भी ऐसे करता था। सो यस, इसीलिए देने से पहले, प्लीज ध्यान से सुनिए, देने से पहले होली स्पिरिट आपसे बात करें। आपको पता हो कि आप अपनी खुशी से नहीं दे रहे हैं, आप गॉड की खुशी से दे रहे हैं, जो आपको फर्क पता चल जाएगा। और इन उन लोगों को दीजिए जो जेन्युइन है। कभी कभी हो सकता है कि कोई इंसान बहुत अच्छा दिख रहा हो और उसके पास सबको जाओ, और कभी कभी आपके सामने कोई बहुत रिच खड़ा है, लेकिन गॉड से पूछोगे तभी तो पता चलेगा ना। कभी कभी गॉड कहेंगे इन सब गरीबों को नहीं देना, पैसे बचाओ, तुम्हें किसी और को देना है, जो गॉड आपको बताएंगे। लेकिन हो सकता है, जैसे कि अभी मेरे को एक पर्सन ने कहा, मैडम जी मैं बड़ी गरीबी में हूँ, मैंने बड़े लोन ले रखे हैं, और बार बार वो मुझे कह रहे थे बाइबल तो सिखाते हैं ना, और वो खुद बाइबल अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बोला बाइबल तो सिखाती है ना कि गरीबों की मदद करो, क्या लिखा है आपकी बाइबल में बताओ। मैंने कहा हाँ लिखा है गरीबों की मदद करो, जिसके पास नहीं है उसकी मदद करो। तो कहते हैं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो मैंने सोचा, और तब परमेश्वर ने कहा बिल्कुल इसकी मदद मत करना, जबकि ये इवन गॉड के वर्ड्स को जानते हैं, पास्टर समान और ये सब नहीं देना। आई सेड लॉर्ड व्हाई, गॉड ने कहा क्योंकि इसकी लत है, इसकी लत है उधार लेने की, इसकी लत है दूसरों से मांगने की, और उसका कोई मन नहीं है अपने लोन को खत्म करने की, क्योंकि वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है। और तब ये मैसेजेस बार बार आ रहे थे, पास्टर आप मुझे दोगे, पास्टर आप मुझे दोगे, और मेरे पास है देने को, मैं दे सकती हूँ, और खुदा के दास के लिए मैं क्या है अपने चार खर्चे कम करके उनको दे दूंगी, कुछ कम ले लूंगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं देना। आप समझ रहे हैं मेरी बात, फर्क समझ रहे हैं? तो एक तरह ये सब अलग अलग तरह के लोग हैं, और ये आपसे मांग रहे। अभी मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने मुझे कुछ चीजें दी हैं और मैं बहुत उनका धन्यवाद देती, लेकिन फिर भी हो सकता है गॉड किसी के मन में डाले अपने पास्टर के पास जाओ और जाकर के देकर के आओ, जबकि मेरे पास है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए इन सब बातों को समझने के लिए, लेन देन को समझने के लिए, गरीब से लेके अमीर तक, अमीर लगने वाले गरीब के पास, गरीब दिखने वाले खुदा के लोगों के पास, जो है तो खुदा के लोग लेकिन वो अपने आप को गरीब दिखा रहे हैं, है गरीब लेकिन उनकी आदतें गलत हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको परमेश्वर से पूछना है, और जब आप पूछेंगे और आप उनके साथ शेयर करेंगे, आपका आनंद पूरा होगा। आपको मालूम है, आपको दिल में तसल्ली होगी कि आपने सही काम किया है। और ये होगी एक और प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि हमें देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं। और मैं लोगों का बिल्कुल एनकरेज नहीं करती जो मेरे साथ दोस्ती रखते कि कभी हमारी मुसीबत होगी तो इनसे हम कुछ पैसा निकाल लेंगे, और मैं उनको अच्छे से पहचानती हूँ और मैं देख लेती हूँ, और मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऑफर नहीं करती। और आपको भी ये ध्यान देना है कि लोग आपसे जो रिश्ता बना रहे हैं, क्या इसलिए बना रहे हैं कि उन्हें कुछ फायदा होगा? पर इसका मतलब ये नहीं है। हाँ मैं पास्टर हूँ, हाँ कुछ लोग मुझसे रिश्ता बनाएंगे, हाँ वो ये चाहेंगे कि मैं उन्हें कुछ दे दूं, और वो हो सकती है प्रार्थना, ये गलत नहीं है। और अगर उनकी ये अपेक्षा है तो उसमें क्या गलत है? और अगर वो ये सोचते हैं कि उन्हें पास्टर से कुछ मिलेगा तो कुछ गलत नहीं है, उन्हें लगता है चर्च से कुछ मिलेगा इतना गलत नहीं। लेकिन अगर हमारा चर्च जाना इसलिए है कि नौकरी मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, तो हमने अपने आप को रोक दिया। हम भूल गए कि हर चीज का स्रोत परमेश्वर है, हर चीज का। आपको क्या चाहिए? अभी पिछले हफ्ते की बात है, तो हम लोग कहीं बैठे हुए थे, अचानक से एक डब्बे में मुझे किसी ने बोला पास्टर जी ये आपके लिए। मैंने कहा क्या है? तो एक डब्बा था, तो उसमें उन्होंने कहा ये गुड़ है। मैंने कहा व्हाट, गुड़, गुड़? तो मेरे साथ सिस्टर बैठी थी, पास्टर आपने मांगा था क्या गॉड से, आपको चाहिए था क्या? मैंने कहा हाँ, मैं दो दिन से गुड़ ढूंढ रही हूँ। अब बात ये नहीं है कि मैं गुड़ गुड़ नहीं खाती हूँ, लेकिन हमारे घर में मेरे मम्मी पापा एक खास गुड़ की चीज खाते थे कि गरम रोटी, उसमें गुड़ और देसी घी,
और तब उसको खाया जाता था। जो मम्मी पापा के साथ खाया जाता था तो वो जो टेस्ट था उसकी तो बात ही अलग है। और बाजरे की रोटी के जब लड्डू बनते थे ढेर सारा गुड़ और देसी घी डाल के, तो वो हमारा ब्रेकफास्ट होता था। गॉड इज सो गुड कि जब मैंने सिर्फ दो दिन से, मुझे लगा मेरे घर में कहीं होगा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, और एक दिन के बाद, डेढ़ दिन के बाद मेरे सामने टेबल पे गुड़ रखा है और मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा प्रभु आप कितने भले हैं। ऑफकोर्स मैं गुड़ खरीद सकती थी लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो दिया, और जब ये दिया मैं कहती हूँ मेरा आनंद है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह बढ़ गया, और मैं सारा आदर और सारी महिमा अपने परमेश्वर को देती हूँ। यही स्माइल हमें सही समय पर सही वजह से लोगों को देनी है, और हम जब खुश होंगे, प्रभु ने मुझे गुड़ दिया, मतलब कोई कहेगा ये भी गुड़ टेस्टिमनी? हाँ, क्योंकि मैं गुड़ ढूंढ रही थी, प्रभु ने मुझे सही समय पर गुड़ पहुंचाया और वो चाहते थे कि मैं उसे खाऊं, और मैं सारा आदर और महिमा प्रभु को दूं। वो भी कम है, वो भी कम है। क्या आप किसी की मुस्कुराहट बनना चाहते हैं? पहले अपनी जिंदगी से ये सब गलत बातों को निकालिए, आप परमेश्वर के अधीन होइए। दूसरा कुरिन्थियों उस 4 अध्याय उसमें लिखा है कि परमेश्वर वो टूटे बर्तन ढूंढ रहा है जिसमें वो अपना ट्रेजर डाल सके, अपना खजाना डाल सके, राइट? ही इज लुकिंग ट्रेजर्स इन जार्स ऑफ क्ले, मतलब हम टूटे बर्तन हैं लेकिन वो हम सबके अंदर खजाना तो एक ही है, और वो खजाना दूसरों के लिए है, वो देने वाला खजाना है, और उस खजाने का खर्च होना है तभी तो और भरेगा, लेकिन हम उसको लेकर के अपने मन में बैठे हैं। वक्त आ गया हमें रियलाइज करना है। परमेश्वर ये नहीं कहा कि दो टूटे क्ले के बर्तन इकट्ठे चिपके हुए हैं, प्रभु ने कहा तुम सब एक अलग अलग टूटा वेसल ऑफ क्ले हो, और तुम सब अलग अलग, तुम्हारे अंदर मैंने खजाना भरा है। तो जब हम भरे हुए हैं, खुदा का खजाना हमारे अंदर है, तो इसे खर्च क्यों नहीं कर रहे? ये आनंद में चिल्ला चिल्ला के बाहर क्यों नहीं आ रहा? लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? और जब हम खजाना है, वो खजाना हमारे अंदर है, तो वो सोत्र हर आशीष का, हर रिश्ते को संवारने का, रिश्ते को बनाने का कौन है? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। और हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में जन्मे, तो हम क्यों ना इस ट्रेजर को बाहर निकालें और आनंद में भर जाएं। ऑफ कोर्स जो मेरे सामने लोग बैठे हैं उनका आनंद पूरा हुआ, वो आनंद में है, लेकिन ये बाहर निकलना है। लोगों को, आप कहीं पहुंचते लोगों को दिखना चाहिए, दीज पीपल आर इलेक्ट्रिफाइड बाय द पावर एंड द लव ऑफ द लिविंग गॉड। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जब आप उस आनंद में जाकर के किसी को मुस्कुराएंगे, उनके दिल में बिजलियां कौन जाएंगी, और आपका आनंद और पूरा होगा, क्योंकि आप देखेंगे आपने कुछ शेयर किया, जो आपके अंदर है वो बाहर। पत्रस ने कहा मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उसके पास चंगाई थी, उसके पास परमेश्वर थे, उसके ऊपर यीशु मसीह थे, उसके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक था, उसके ऊपर प्रभु थे, और उसने वो बांटा। आज मैं ये कहना चाहती, दो बातें कहना चाहती हूं। हम ऑलरेडी जो हमारा सोत्र है पैसों का, अच्छे रिश्तों का, आदर का, सम्मान का, समझ का, वो हमारे अंदर है। हमें किसी इंसान का आदर सम्मान नहीं चाहिए। अगर हमारा यीशु हमारा सम्मान करते हैं, उन्होंने हमारे लिए जान दिए, तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। प्रभु हमारे साथ है, लेकिन प्रभु हमें वो आदर और सम्मान दिलाएंगे। हमें अपने सोत्र के अंदर झांकना है, आज हमें क्या चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम है हमारी जो हमें रोक रही है मुस्कुराने से, जो हमें रोक रही है आनंद में जाने से। आज वो सब हम परमेश्वर के चरणों पे रख दें, आज वो सब हम प्रभु को समर्पित कर दें। क्या आप लोग तैयार हैं अपनी जिंदगी को यीशु मसीह को समर्पित करने के लिए, अपने दर्द को यीशु मसीह को समर्पित करने के लिए? यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी है, और वो तीसरे दिन जी उठे, उन्हें सचमुच में मारा गया, हिस्टोरिकली भी लिखा है, बाइबल में लिखा है, और तीसरे दिन वो जी उठे। तो क्या उस जीवित परमेश्वर की छवि आपके जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके शरीर में, आपकी धन दौलत में और आपके प्रतिष्ठा में दिखाई देती है? अगर नहीं दिखाई देती है तो आज वो दिन है, हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं,
हम इधर उधर ताक रहे हैं, हम परमेश्वर से कह रहे हैं प्रभु मेरी मदद करो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, झगड़ा हो रहा है, ये सब हो रहा है, आज अपना बोझ उस यीशु पे रख दो, आज आप अपना दर्द उस यीशु पे रख दो, जस्ट पुट इट ऑन द लॉर्ड, और परमेश्वर से कहो प्रभु अपना जुआ आप मुझे दे दो, मैं अपने सारे दर्द को, अपने सारे दुख को आपको देता हूँ, परमेश्वर मुझे उद्धार दीजिए। सब लोग बोलेंगे हे यीशु मसीह, मैं मानती हूँ कि आपने मेरे लिए अपनी जान दी है, आप मारे गए, तो क्रूस पे लटकाया गया, आप मेरे लिए बलिदान हो, आपने मेरे लिए और मेरे पापों के लिए, मेरे खानदान के लिए बलिदान दिया है, मुझे माफ कर दीजिए हर पाप के लिए, मैं आपका बलिदान एक्सेप्ट करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, मेरे हर पाप को माफ कर दीजिए, मेरे दिल में आ जाइए और मुझे आगे लेके चलिए, मुझ पे दया कीजिए प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, आज मैं अपना सारा दर्द, अपना सारा दुख, अपने बच्चों की जिंदगी, उनके परिवार, अपना धन संपत्ति दुख, मेरे पारिवारिक दुख, मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मेरा बोझ ले लीजिए और अपना जुआ मुझको दे दीजिए ताकि मेरा आनंद पूरा हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन और आमीन। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप एक अच्छे पिता हैं, आप एक अच्छे खुदा, यू आर अ गुड गॉड, और प्रभु सब कुछ जो आपका है वो आपके बच्चों का, आपके पास सब कुछ है प्रभु, आज अपने भवन से, अपने अच्छे खजाने से आप अपने बच्चों को सब कुछ दे दीजिए जो उनको चाहिए है परमेश्वर, ताकि इनका आनंद पूरा हो प्रभु। जिन घरों में दुख है वो दुख चला जाए यीशु के नाम से, जिन घरों में झगड़े हैं बंद हो जाए झगड़े यीशु के नाम से, जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा है आई स्टॉप दैट बैटल इन जीसस नेम। पति अपने पत्नियों पत्नियों को प्यार करो, पत्नियां अपने पति का आदर करो, और हर दुष्ट का काम हर घर से निकल जाए यीशु के नाम से, हर घर आजाद हो जाए यीशु के नाम से, हर बच्चे पर, छोटे बच्चे पर प्रभु का हाथ हो, स्पेशल ट्यूशन पे प्रभु का हाथ हो, बड़े बच्चों पे प्रभु आपका एहसास हो, और वो अपने दायरे में चले, और परिवार अपने संबंधों को दायरे में लेके चले, और प्रभु आपकी मर्जी हर परिवार में पूरी हो, हर पति अपने वाइफ के साथ फेथफुल हो, हर पत्नी अपने पति के साथ वफादार हो परमेश्वर, और प्रभु हर घर में जो भी दुख तकलीफ है वो निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु, नया मसा दीजिए, नए लेवल पे लेके आइए, और आपकी जिंदगी हर घर में फूट फूट के बाहर से दिखे, और प्रभु हर काम आपके सिग्नेचर की तरह हो, इनके घर में जो होगा उसकी टेस्टिमनी यहाँ आने वाली है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु मैं आज्ञा देती हूँ हर टेस्टिमनी को कि वो यहाँ आके खड़ी हो जाए हर घर में, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कोई सास अपने बेटे को कमांड करके नहीं चलेगी, इस जुए को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से प्रभु, हर वो माँ जो अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही है आज से ये समाप्त होगा यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रभु आप दया कीजिए, हर घर को बनाइए, हर नौकरी में जहाँ बॉस अपने लोगों को तंग कर रहे हैं प्रभु उनको बदलिए, हर हर कंपनी में जहाँ एम्प्लॉयज फेथफुली काम नहीं करें, एक नौकर की तरह काम करें, ओनरशिप में नहीं करें प्रभु उन्हें बदलिए, और हर जगह लोगों को प्रमोशन मिले, लोगों को ब्लेसिंग मिले, लोगों को उन्नति मिले, बच्चे बदल जाए, बड़े बदल जाए, हमारे खानदान असली क्रिसमस मनाने वाले हों यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज का संदेश यहीं खत्म होता है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट आज नहीं खत्म होती है, क्योंकि अगले हफ्ते तो आपको और भी मुस्कुराना है। सो प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें 9810585003 पर SMS या WhatsApp कर सकते हैं। प्रोफेटेस आशमा जेम्स बत्रा जी से और सीखने के लिए आप YouTube चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। सबको जय मसीह की।